वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ना। अब देखिए, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पोर्शन कर लिया था, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो बता दिया था कि किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से वो फ्लो चलने वाला है। वो आपके पास एक फ्लो चार्ट आ गया होगा, ठीक है। वास्तव में ये वाला चैप्टर जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्यों रखा गया, इस वाले लेक्चर में आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि 1820 ईस्वी की बात होती है, एक ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं, वो एक डच प्रोफेसर थे, वो अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर वो इसी बात पे दे रहे थे जो अपना जो पिछला वाला चैप्टर था, पिछला वाला चैप्टर क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे वो पूरी की पूरी सर्किट अपना लगाए हुए थे, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी की पूरी सर्किट लगाए हुए थे। एक बैटरी है, बैटरी से एक वायर कनेक्टेड, उन्होंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगा के वो पूरी सर्किट उन्होंने लगा रखी है। अब ये सारा का सारा सर्किट जो है वहां पे क्लियर था, और वो अपने बच्चों को या वो अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता रहे थे कि कैसे करंट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी बीच क्या होता है कि उनके पास एक कंपास सुई रखी होती है, एक कंपास रखा होता है। कंपास क्या होता है आप जानते हैं, कंपास एक डायरेक्शन शो करने वाली एक डिवाइस होती है, छोटी सी दिशा सूचक यंत्र उसको बोलते हैं। वो उनकी टेबल पे पड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, तैसे ही उनका ध्यान जाता है, वो देखते हैं कि जो वहां पे कंपास रखा हुआ है, वो कंपास जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है उसकी नीडल में। अब यहां से उनको आइडिया आया कि जो करंट होता है, करंट के पास इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि अगर कोई भी वायर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। और ये इफेक्ट सबसे पहले कौन देखा था, 1820 में ओरस्टेड साहब ने देखा था। इसीलिए यहीं से जब भी हम कभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो ओरस्टेड का जो है एक्सपेरिमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट वो था कुछ नहीं, बस वही था जो हमने आपको बताया कि एक पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ था, उसके पास अगर मतलब एक पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वहां पे की लगी हुई है, जैसे ही आप की को ऑन करते हैं, जैसे ही सर्किट को ऑन करते ही क्या होता है, कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। इससे ये शो होता है कि करंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, अगर उससे फ्लो ऑफ करंट होता है, करंट का फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये चीज तो हमें पता चल गई कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वास्तव में मैग्नेट क्या है, पहले तो हमें इसके बारे में बात करना है ना भाई इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है ये तो आ गया कि हाँ ठीक है, इस चीज को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वास्तव में मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, अब देखो, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेट बोलते हैं। ये चीज सबसे पहले कब आई, थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले तो ये लगभग 600 BC की बात है, 600 BC की बात है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था थेल्स, उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। वो कैसे बताए थे, उन्होंने ये बताया था कि एक ओर होता है लोहे का, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, Fe3O4 उसका साइंटिफिक नेम अगर कहें तो, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो आयरन का ओर है इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उस पदार्थ को उन्होंने मैग्नेट कहा था। मैग्नेट इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ा सा और पीछे चले, क्योंकि कहानी है यहाँ पे, तो एक बहुत ही फेमस कहानी है, आप लोग सुने भी होंगे कि एक मैग्नेशिया नाम की एक प्लेस थी, तो उस प्लेस पे क्या था कि एक गड़ेरिया रहता था, गड़ेरिया इन द सेंस की जो शेफर्ड होते हैं, जो अपने भेड़ बकरियों को चराने जाते हैं, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर गया हुआ होता है। तो
उसको जो छड़ी लिया होता है उसकी छड़ी के निचले हिस्से में एक आयरन की नेल लगी होती है। तो उसकी जब वो छड़ी जब वहां पे रखी हुई एक स्टोन था तो उस स्टोन के पास गया तो उसकी छड़ी का निचला हिस्सा जो है वो अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, है ना, छड़ी का निचला हिस्सा जो है वो स्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो गया और साथ में उसका जो सू था उसमें भी कुछ नेल्स लगी हुई थी। फिर उसने देखा कि उसका सू भी अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, तो वहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला था कि हाँ मैग्नेट नाम का कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये तो फेमस थी कहानी पहले से, लेकिन 600 BC में जब हमने वही बताया ना आपसे जो ग्रीक फिलोसफर आए थे, तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, कि हाँ भाई ऐसा होता है, कि एक ऐसी 304 यानी कि मैग्नेटाइट यानी कि आयरन का एक ओर होता है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये बातें बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि केवल ग्रीक में ही ऐसी बातें चल रही थी, ऐसा केवल थेल्स ही कह सकते थे, चाइना में भी पैरेलल ये बातें चल रही थी। चाइना में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए गए थे, कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए थे जिनको लटका देने पे वो क्या होते थे कि वो उत्तर और दक्षिण दिशा में, क्या होते थे, वो सस्पेंड हो जाते थे, लटक जाते थे। तो चाइनीज भी बहुत पहले से इसका प्रयोग करते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि वो उत्तर और दक्षिण दिशा में वो जो है स्थिर हो जाता था, इसलिए उसके पास इन्होंने कहा कि इसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव माने वो डायरेक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी। साथ में क्या होता था कि उस समय जो यात्राएं लोग करते थे तो यात्रा करने के दौरान क्या होता था कि वो उसी स्टोन का अभी तक उनको पता नहीं है कि वो क्या था, तो बाद में ये बताया गया ना भाई ये मैग्नेट है, लेकिन वो उस स्टोन का यूज करते थे, वो चाइनीज लोग इस स्टोन का यूज करते थे और इससे उनको क्या होता था कि उनको लीडिंग इन द सेंस, जैसे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कोई लीड करता है आपको ना, तो आगे चलने के लिए आगे चलने में वो जो पत्थर था वो मदद करता था, उनको हमेशा डायरेक्शन बताता था कि भाई ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस तरीके की डायरेक्शन उनको पता चल जाती थी जब वो उसको सस्पेंड कर देते थे, लटका देते थे। तो यहाँ से चूंकि वो उनको लीड करवाने में भी मदद करता था, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टोन का नाम भी हमें लीडिंग स्टोन या कहीं भी आप लोड स्टोन के नाम से भी जानेंगे। तो इसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत पिछले जमाने से ही यूज करते लोग आ रहे थे। जैसा कि हमने आपसे बताया कि चाइना में भी ऐसी चीजें चल रही थी, ऐसा ग्रीस में भी चल रहा था, फेल साहब ने तो 600 बीसी में बताया ही था, साथ में मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है ना। तो इजिप्ट में भी साथ में क्या था कि ऐसे पत्थरों की खोज हो चुकी थी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग जादू दिखाया करते थे। कभी क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर कोई भी नई चीज आ जाए, किसी को उसके बारे में पता ना हो, तो अभी आप ही सोच लो कि अगर आपके पास मैग्नेट आ जाए, सोच लो 2 मिनट के लिए, मान लो किसी को मैग्नेट के बारे में पता नहीं है और सामने कोई लोहे की वस्तु रखी है, तुम गए लेकर मैग्नेट गए और सच से उसको चिपका लिए अपनी तरफ, ठीक है ना, और जब वो चिपक गई तो लोग देखो अरे एकदम डरे गए, ये क्या हो रहा है, इसके पास तो जादू है इसका। तो इस तरीके के जादू समय के जादूगर लोग दिखाया करते थे, यानी कि उस समय में भी रोजगार पैदा कर दिया था क्या ये मैग्नेट, लेकिन किसी को पता नहीं था। वास्तव में इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई, जो इसके बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य लाके रखा गया, वो रखा गया 16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में। उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलियम गिलबर्ट, नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अब आके बताया कि हाँ भाई इस तरीके का जो सब्सटेंस होता है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और वास्तव में विलियम गिलबर्ट साहब ने ही बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी भी अगर चुंबक को हम लटका देते हैं, लटकाने के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में, इसलिए नहीं हो जाता है कि उसके पास जादू होता है या उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए होता है कि ये पूरी जो अर्थ है, ये पूरी अर्थ भी जो है वो पूरा क्या है, वो एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। तो विलियम गिलबर्ट साहब ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी मैग्नेट के बारे में। तब जाके उन्होंने मैग्नेट नाम की बुक भी है उनकी, तो उस बुक में उन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में ढेर सारी बातें भी लिखी। तो सबसे पहले विलियम गिलबर्ट साहब ने इसकी डिटेल्ड नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचाई, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास रहा। इसके बाद जब हम लोग अब आते हैं वापस आने के बाद हम लोग अगर केवल मैग्नेट के बारे में बात करें, तो मैग्नेट भी जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि प्राकृतिक किसे कहते हैं, जैसे सबसे पहले जो सबसे पहला वाला मैग्नेट अपने पास आया
वो नेचुरल मैग्नेट इसलिए कहलाए क्योंकि भाई वो नेचर से हमें मिला था, कोई उसमें किसी तरीके का ना आदमी का इंटरफेरेंस नहीं था, किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं था, वो हमें सीधे नेचर से मिला था। अब उसको लाने के बाद फिर गिल्बर्ट साहब ने ही बताया हम लोगों को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कृत्रिम मैग्नेट भी बना सकते हैं। अब उन्होंने लोहे निकिल और कोबाल्ट के आयस्क को मिला करके कुछ केमिकल रिएक्शंस करा करके उससे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेट बनाया। तो इस तरीके से एक मैग्नेट कहां से बना और कृत्रिम मैग्नेट के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देने का श्रेय भी गिल्बर्ट साहब को ही जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियां हम लोगों की मिली। उसके बाद फिर देखो जब कृत्रिम और प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात होने ही लगी तो कृत्रिम चुंबक किस तरीके से बनाया गया ये भी बात सामने आ गई। फिर यहां से बिल्कुल इसके बारे में पूरा बता दिया गया कि अब जो मैग्नेटिज्म था वो बिल्कुल क्लियर था कि हाँ लोहा निकिल कोबाल्ट या अगर इस तरीके की किसी भी वस्तु को कोई भी सब्सटेंस अगर अपने तरफ अट्रैक्ट या रिपल करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन मैग्नेट कहेंगे। इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख ली, इतना देखने के बाद ये हमारा आगे क्लियर हो गया कि एक मैग्नेस नाम का एक गडेरिया था और वो एक मैग्नेशिया नाम की प्लेस थी और चूंकि उसने इस चीज को खोजा था इसलिए इस सब्सटेंस का नाम जो लोहा या लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है इसलिए उसका नाम मैग्नेट पड़ा। ठीक है, अब मैग्नेट के बारे में हम लोगों को एक रफ आइडिया आ गया कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे पहली बात जो मैग्नेट होता है मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। मैग्नेट के पास क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो ये होती है कि इसके पास अट्रैक्टिंग और रिपलिंग यानी कि प्रतिकर्षण करने की और आकर्षित करने की क्षमता होती है। कभी भी दो समान पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं और टू अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसकी अगली प्रॉपर्टी ये होती है मैग्नेट की कि कभी भी अगर अपन मैग्नेट को तोड़ते हैं बीच से, अगर कभी भी अगर अपन मैग्नेट को बीच से तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका नॉर्थ पोल अलग हो गया उसका साउथ पोल अलग हो गया। वो जो मैग्नेट अपन बीच से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर से वो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है इस वाले में भी, और जो दूसरा हिस्सा टूटा हुआ है उसमें भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैग्नेट के बारे में एक छोटा सा आइडिया हमें और मिल गया। अब हम लोग यहीं से बात करें कि मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे अगर अभी नॉर्मली बात करें भाई, जैसे हम हैं और आप हैं, ठीक है, तो अगर किसी दूसरे गांव में आप जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो कुछ उस शहर की बाउंड्री लाइन होती है ना भाई, वहां तक उसके रूल एंड रेगुलेशंस चलते हैं ना। जैसे मान लो आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप फैजाबाद से आप दिल्ली गए, तो दिल्ली में जब जाएंगे तो दिल्ली का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ बाउंड्री लाइंस हैं जो सेपरेट करती हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अलग अलग, ठीक है ना, यूपी और दिल्ली को अलग अलग करती। ऐसे ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से भी निकलती हैं। तो वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो शो होता है, ठीक है ना, जिसमें मैग्नेट के इफेक्ट शो होते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे या मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का भी आइडिया आ गया। तो यहां तक इंट्रोडक्शन में या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहां तक हम लोगों को ये पता चला कि मैग्नेट वास्तव में इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कहां से आया, और मैग्नेट के बारे में इतना पता चल गया कि इसके पोल्स होते हैं, इनको तोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, कैसे कैसे क्या होता है, लगभग रफ आइडिया आ गया। अब हम लोग यहां से इस काबिल हो गए हैं कि अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि ओएस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको बिल्कुल हम लोग करके देखेंगे या यूं कहूं कि ब्लैक बोर्ड में पूरा का पूरा इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन व्यस्त किसमें? फिजिक्स पढ़ने में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय।